जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैच अ डिफेंड जैकपॉट। ये हमारा पार्ट टू रहने वाला है। इससे पहले हमने एक और वीडियो कवर करी है इस सीरीज़ की, जिसमें हमने बताया कि कैसे हम डिफेंड के जैकपॉट को कैच कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख के आइए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहीं पर अपनी टिप्स प्रोवाइड कराते हैं। सो आपका वो ज्वाइन होना मस्ट है। यहाँ पर डिफेंड के जैकपॉट में इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो काफ़ी अंडररेटेड हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम। अब स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, और अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग ली है, और यहाँ पर पिच थोड़ी ट्रिकी है, और अफगानिस्तान के पास आपको पता है काफ़ी अच्छे स्पिनर बॉलर हैं, तो वहाँ पर पिच भी थोड़ी ट्रिकी थी, तो इंडिया का स्कोर काफ़ी कम रहा T20 मैच में, 130-40 के आसपास ही रहा। और जब सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान की बैटिंग करने आए, तो वहाँ पर स्टार्ट में उनने गुरबाज लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिला दिया, यहाँ पर पावर प्ले में 40-50 के आसपास रन बना दिए। पर होता क्या है, जो वीक टीम होती है वो स्टार्ट अच्छा भी होता है तो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाती है, और मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है वहाँ पर कमबैक कर लेती है और वहाँ से वो मैच जीत जाती है। सो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जहाँ पर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच स्टार्ट होने से पहले, जैसे इस केस में इंडिया काफ़ी फेवरेट ओपन हो रही थी 30-25 पैसे के अराउंड, और वहाँ से सेकंड टीम जो है चेस वाली वो फेवरेट आ जाती है काफ़ी, तो वहाँ से काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये यहाँ पर मैच पूरा पलट जाता है, क्योंकि वीक टीम हमेशा गलतियाँ हमेशा करने को यहाँ पर करती हैं। और यहाँ पर आप एक और ट्रिक लगा सकते हो इसमें, टेबल टॉपर्स वर्सेस बॉटम वाले। यहाँ पर मान लीजिए कोई लीग चल रही है, वहाँ पर उस लीग के 6-7 मैचेस हो चुके हैं, जो उस टीम के टॉप में रहेगी और उस टीम के बॉटम में रहेगी, वैसे ही कोई उन दोनों के बीच में मैच होता है। सो अगर टेबल टॉपर यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करके ज़्यादा रन नहीं बना पाती है, उस और अगेन उसके बाद जो सेकंड बैटिंग करना आती है वहाँ पर वो फेवरेट आ जाती है अच्छा खासा, तो वहाँ से काफ़ी चांस रहते हैं कि वो टीम वहाँ से कोलैप्स कर जाए, या ये कम से कम ऐसा तो मैंने देखा ही है कि रेट तो वहाँ पर कम से कम आपको निकलने का मिल ही जाता है, और काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो मैच पूरा जैकपॉट बन जाए, क्योंकि जो वीक टीम होती है जो टेबल में बॉटम पर रहती है वो हमेशा यहाँ पर मोमेंटम नहीं होता है उनके पास, और वो मतलब पूरे सीजन भर पूरे लीग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, और वहाँ पर जैकपॉट काफ़ी चांसेस बनता है इन दोनों के बीच में अगर मैच होता है तो। सो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जहाँ पर टेबल की टॉप की टीम खेल रही है और टेबल की लोएस्ट के आसपास की टीम खेल रही है, और लोएस्ट वाला काफ़ी अच्छा खेल जाता है, तो वहाँ से सेकेंड इनिंग में पूरा गेम चेंज होने के काफ़ी यहाँ पर चांसेस हैं। सो आप इस कंडीशन का फ़ायदा उठा सकते हो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है। सेकेंड हमारा पॉइंट है चेंज इन मोमेंटम। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई T20 मैच चल रहा है, उसमें चेसिंग वाली टीम के 3 विकेट गिरे हैं, और उसमें से एक बैट्समैन सेटल हो चुका है और दूसरा वाला बैट्समैन 12-15 रन पर ओवर 12-13 रन पर खेल रहा है, और उस टीम को लास्ट के 5 ओवर पे कुछ 8 के आसपास रन ओवर चाहिए, तो वो टीम यहाँ पर 30-25 के आसपास फेवरेट लगी हुई है। तो मान लीजिए वहाँ पर से सेटल वाले जो बैटर है जिसकी हाफ सेंचुरी लग चुकी है, उसका विकेट गिरता है, तो वहाँ पर होता क्या है, मोमेंटम पूरा चेंज हो जाता है। जो बॉलिंग वाली टीम है उनको एक रास्ता दिखता है जीतने का, और वहाँ से थोड़ा वहाँ पर रन रेट अप हो जाता है चेसिंग वाली टीम का, और वहाँ पर अगर पिच थोड़ा ट्रिकी है तो पूरा डिफेंड होने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो आपको ये अगर आपको जैकपॉट पकड़ना है तो आपको पहले एंट्री देनी होगी सेटल वाले बैटर के विकेट गिरने से पहले, पर अगर यहाँ पर आप बाद में भी एंट्री देते हो जब सेटल बैटर का विकेट गिर जाएगा, तो ज़्यादा रेट उस समय आप नहीं करेगा, वो वहाँ पर 30-25 से यहाँ पर 50 के आसपास अप करेगा, और उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट बैट्समैन आता है वो उतने इंटेंसिटी से नहीं खेल पाता जितना जो सेटल बैटर है वो खेल चुका था, क्योंकि जब पिच ट्रिकी होती है तो जो नया वाला बैट्समैन होता है उतने जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है उस पिच को, और जहाँ पर से एक विकेट आता है वहाँ पर से काफ़ी चांसेस रहता है जब जैकपॉट उठता है, आपने देखा होगा कि एक के साथ 2-3 विकेट और आ जाते हैं, कम से कम एक तो और आता ही है, और जब भी आप ऐसे स्कोर कार्ड उठा के देखोगे आप देखोगे कि एक बैट्समैन होता है सेटल वाला वही अच्छा खेला होता है उस मैच में, और बाकी जो बैट्समैन होते हैं वो 15-20 इसके आसपास ही रन रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर पिच कोई ट्रिकी होती है और वहाँ पर सेटल बैट्समैन आउट हो जाता है चेस के टाइम, तो उसके बाद पूरा मोमेंटम वहाँ पर से चेंज हो जाता है, और उसके बाद आपने मैच की लास्ट में देखा भी होगा वहाँ पर कमेंटेटर बोलते हैं ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट है, तो जब टर्निंग पॉइंट आने वाला होगा आपको वहाँ पर पार्ट वाइज एंट्री कर सकते हो विकेट गिरने से पहले, या अगर विकेट गिरता भी है तो आप हाई रेट में थोड़ा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि डिफेंड का जैकपॉट बन जाए। थर्ड पॉइंट है कैप्टेंसी मैटर्स। अब आप कहेंगे यहाँ पर कैप्टन का क्या काम हुआ, कोई टारगेट डिफेंड होगा या चेस? देखिए कैप्टन का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि कोई टारगेट को वो डिफेंड करा ले,
मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए कोई ऐसे कैप्टन होते हैं, कोई यहाँ पर मान लीजिए चेस वाली टीम चेस कर रही है और हाँ उनको 8-9 रन पर ओवर चाहिए। अब कोई कैप्टन ऐसा करते हैं कि लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को पीछे ही रखते हैं और आगे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब बाउंड्री रोकने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बाउंड्री कहीं से रुक जाए भले ही ये सिंगल डबल ले। और वहीं दूसरा जो कैप्टन है वो अलग थिंकिंग होकर रखता है। जैसे मान लीजिए वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को अंदर बुलाता है ताकि रन रुके, जो सिंगल डबल आ रहा है भले ही बाउंड्री चले जाए, उसकी ये मेंटेलिटी रहती है कि कहीं से विकेट आए। वो स्लिप लगा के रखेगा अपने बॉलिंग को, अच्छे जो बॉलर्स हैं उनको रोटेट करते रहेगा अच्छे से। और वहीं जो दूसरा वाला कैप्टन है वो ये सोचता है कि यहाँ पर विकेट, वो मतलब उसकी मेंटेलिटी ये मेन होती है कि बाउंड्री ना आए। तो अगर यहाँ पर कैप्टनसी भी काफ़ी मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बाबर आजम और टेम्बा बवुमा को देखो, दोनों के पास ही काफ़ी टैलेंटेड बॉलर्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के पास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शाहीन अफरीदी, हरीश रऊफ, नसीम साहब बॉलर हैं, पर वो टीम का जो कैप्टन है बाबर आजम, वहाँ पर वो अपने टीम से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता जब भी उनकी टीम का डिफेंड का चांस आता है। तो वहाँ पर वो या तो फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाता, जब भी यहाँ पर पिच में स्पिन होती है तो वहाँ पर अपने फास्ट बॉलर्स को लगा देता है, या जब फास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको रोक के लास्ट ओवर के लिए बचा देता है। तो कैप्टनसी काफ़ी मैटर करती है। वहीं टेम्बा बवुमा को देख लीजिए, अगर वो कैप्टन नहीं होता तो आज तक साउथ अफ्रीका इस बीच एक दो सालों के बीच में एक ना एक तो चैम्पियनशिप जीतती ही जीतती। पर वो ऐसा करता है जब भी यहाँ पर गेम ख़त्म, जैसे स्पिनर्स का यहाँ पर गेम में काफ़ी ज़्यादा रोल होगा, तो जब मैच यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तब वहाँ पर स्पिनर को लगाना वो चालू करता है। तो कैप्टनसी काफ़ी मैटर करती है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कैप्टन काफ़ी एफर्ट डाल रहा है टीम पे यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, यहाँ पर फील्डिंग में काफ़ी अच्छे रोटेशन कर रहा है और बॉलर में काफ़ी अच्छे रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं कि ये टारगेट के मतलब डिफेंड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे लीग वाले में आपको, आप देख लीजिए जेम्स विंस हैम्पशायर का कैप्टन, काफ़ी अच्छी यहाँ पर कैप्टनसी करता है और उसके मैचेस में काफ़ी ज़्यादा डिफेंड रहते हैं। और टर्नर देख लीजिए पर्थ स्कॉचर्स का बिग बैश लीग में, जब भी वो मैचेस खेलता है मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो टारगेट को डिफेंड करा देता है। मतलब मान लीजिए कहने का मतलब ये है कोई दो टीम है और दोनों टीम में से एक कैप्टन को यहाँ पर 50 रन पर ओवर डिफेंड करने हैं लास्ट के कुछ ओवर में, और दूसरे वाले को भी जो अच्छा कैप्टन मान लीजिए एस्टन टर्नर को देख लीजिए, उसको 50 रन पर ओवर डिफेंड करना है, तो जो एस्टन टर्नर है वो ज़्यादा अच्छे से डिफेंड कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन को। फोर्थ पॉइंट, इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कब कब विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डिफेंड कराने जा रहे हैं किसी टारगेट को, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आफ्टर टाइम आउट एंड ड्रिंक्स। जब भी टाइम आउट और ड्रिंक्स होता है उसमें बैट्समैन को मतलब 2-3 मिनट का गैप मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो बॉलर वाली टीम होती है वो भी यहाँ पर थोड़ी स्ट्रैटेजी बना लेती है उस बीच में, और जो बैट्समैन होता है वो उस कंसंट्रेशन उसका थोड़ा भंग भी हो जाता है कंसंट्रेशन, क्योंकि बीच में 2-3 मिनट का गैप हो जाता है, तो यहाँ पर विकेट गिरने के थोड़े चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सेकेंड इसमें आता है सडन चेंज ऑफ बॉलिंग। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्पिनर चल रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड से 3-4 ओवर यहाँ पर स्पिनर चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अचानक से जो फील्डिंग वाली कैप्टन है उसने यहाँ पर एक फास्ट बॉलर को लगा दिया, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि कभी कभी विकेट यहाँ पर गिरने के चांसेस रहते हैं। सेम वहीं उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर लगातार बॉलिंग कर रहे हैं उसके बाद अचानक से फील्डिंग वाले कैप्टन ने एक स्पिनर लगा दिया, तो तब भी यहाँ पर थोड़ा विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। थर्ड है यहाँ पर स्कोर बोर्ड प्रेशर। मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर किसी टीम को 8-9 रन पर ओवर चाहिए पर उनके पास विकेट ही बचे हैं, पर कोई ऐसा फेज आता है बीच का जहाँ पर 2-3 ओवर का जहाँ पर बाउंड्री नहीं पड़ती, तो उससे होता क्या है कि बैट्समैन को थोड़ी खुजली टाइप की लगने लग जाती है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं पड़ पाई, तो वो यहाँ पर हो सकता है कि कोई यहाँ पर ख़राब शॉट खेल दे और वहाँ पर विकेट गिर सकता है, तो आप ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सर्टेन मैचअप अगेंस्ट अ सर्टेन बैट्समैन। कोई कोई ऐसे मैचअप होते हैं हेड टू हेड, ऐसा कुछ होता है कि कोई बैट्समैन के सामने कोई बॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जैसे विराट कोहली के सामने यहाँ पर आदिल रशीद अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ऐसे कोई हेड टू हेड रहते हैं, जैसे स्मिथ के सामने अश्विन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो ऐसे कुछ हेड टू हेड होते हैं जहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं सर्टेन मैचअप्स। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ फिनिशर्स। देखिए फिनिशर्स को टीम में रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि अगर कोई कंडीशन ऐसी बने जहाँ पर फिनिश की ज़रूरत पड़े और लास्ट में 10-12 रन पर ओवर की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से मैच को फिनिश करके आए। तो अगर किसी टीम पे फिनिशर्स की कमी है, जैसे इंग्लैंड को देख लीजिए, बांग्लादेश श्रीलंका को देख लीजिए,
उनके पास सॉलिड फिनिशर्स नहीं है। तो अगर लास्ट में दो तीन ओवर में कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर 9-10 रन पर ओवर चाहिए, तो उनके टीम के फिनिशर्स जो है वहाँ पर फिनिश को नहीं कर पाते हैं टारगेट। तो आप ऐसी कंडीशन भी देख सकते हैं, जैसे इंडिया के पास काफ़ी अच्छे फिनिशर्स हैं, पांड्या हो गया, ऐसे साउथ अफ्रीका के पास क्लासन मिलर हो गए, वो फिनिश करने की दम रखते हैं, पर हर टीम के पास फिनिशर्स नहीं होते, तो वो टीम यहाँ पर फंस जाती है लास्ट टाइम पे। देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी कंडीशंस बता दिए जहाँ पर डिफेंड होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई कंडीशंस का पता हो जहाँ पर टारगेट डिफेंड होने के चांसेस हो, या ऐसी कोई ट्रिक बताओ जहाँ पर विकेट गिर सके, तो आप कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक बता सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।